क्या इनकम है इसमें, कितना क्रिकेटर्स पैसा कमा लेते हैं और आपकी क्या इनकम है? टेबल से ही सारा सर्किट है घर का सारा, ये वो। समी असलम है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, उसको आउट किया था। बाबर अली को वेरी फर्स्ट बॉल पे मैंने आउट किया। आपको लोग कर्नल कैसे क्यों कहते हैं? हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है लेकिन क्रिकेट में लड़ाई है हमारी। टेप बॉल में भी इन स्विंग आउट स्विंग होती है, 140-145 पे चला जाता होगा बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाक TV.TV। मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा कर्नल जाहिद से, जो टेप बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। टेप बॉल में वो सबसे तेज़ बॉलर है पाकिस्तान का। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको कर्नल क्यों कहते हैं। जी कर्नल साहब, कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? क्रिकेट तो हो नहीं रही, लॉकडाउन था तो अभी मैचेस वगैरह कुछ ट्रेनिंग की है, अभी ये कुछ टूर्नामेंट वगैरह खेले हैं जो आजकल सारे आपके सामने लाइव चल रहे हैं फेसबुक पे, तो वही टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे थे और कोई एक्टिविटी नहीं। अच्छा, क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको लोग कर्नल कैसे क्यों कहते हैं और ये कैसे नाम डला आपका कर्नल? ये तो काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो कहीं आर्मी में तो नहीं जा रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो सर थे उनका एक बेटा था, वो भी हमारे साथ ही पढ़ता था। फिर अचानक ही पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक दिन उसने मुझे बोला कि यार बड़े होके क्या बनोगे, तो उसने बोला कि मैं तो जनरल बनूंगा। तो मैंने भी मजाक में कह दिया कि मैं भी कर्नल बन जाऊँगा ना। तो फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरा एक दोस्त है इशफाक चौहान, उसने मेरी एक फेसबुक आईडी बनाई है। तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, काफ़ी जगह पे बॉलिंग अच्छी की, जाके लोगों ने नाम शाम बताया ये कि कर्नल जाहिद नाम है, ये है वो है। तो अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी इस नाम से, तो मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, टेप बॉल क्रिकेट में आपका एक बड़ा नाम है, तो टेप बॉल में तो बैट्समैन भी बड़े बड़े हैं, तो किसी बैट्समैन को चैलेंज देकर आउट किया आपने? नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा किसी के साथ चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए तो जो बैट्समैन होता है वो मेरे ख्याल से मुझे हर बैट्समैन के खिलाफ मुझे अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा माइंड ये होता है कि यार मैं इसे रनजे ना ही खाऊं तो अच्छी बात है। तो मेरा तो माइंड ये होता है कि मैं इसे छिका ना खाऊं मोस्टली। तो काफ़ी दफ़ा मैचेस में मेरा अक्सर आमना सामना तैमूर मिर्ज़ा के साथ हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासर भी होते हैं उनके मैचेज़ में जब मेरा और उसका आमना सामना होता है। तो वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे खुरम है, खुरम चिपवाल वाला, वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन है। तमाम बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन ये आजकल ज़रा टॉप पे चल रहे हैं, तो इन दोनों के बड़े नाम हैं। तो और भी नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि बहुत से प्लेयर्स हैं गुजरावाला में है, मुल्तान से है, कराची से हैं, हर जगह के जो जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आजकल उभर रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनल क्रिकेट से टेप बॉल कितना फ़र्क है दोनों क्रिकेट में? प्रोफेशनल क्रिकेट में जो हम जो खेल रहे हैं, अभी खेले नहीं हैं, अभी खेलनी है, तो टेप बॉल में यह है कि अगर आप चार या छः दिन आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, हर बंदा आपको शाबाश देगा, हर बंदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा। जहाँ पे आपने दो तीन दिन रेगुलर स्कोरें खाई हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ कहेंगे, आपको पता नहीं है ये अभी टेप बॉल का ही है। लेकिन लेदर बॉल में आप अच्छी परफॉर्मेंस करते तो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते थे कि यार नहीं उस बंदे ने काफ़ी अच्छा स्पेल किया था लेकिन उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, बैड टाइम चल रहा है, इस तरह तो लोग समझ जाते हैं कि यार उसके ऊपर अभी बैड टाइम चल रहा है लेकिन वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन टेप बॉल में सिर्फ थोड़ी सी इज्जत है, उसके बाद फिर जलालत भी है। अच्छा, आपके साथ के क्रिकेटर दिलबर हुसैन और हारिस रऊफ जी जी प्रोफेशनल क्रिकेट में आ चुके हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। हारिस रऊफ ने तो पाकिस्तान से भी खेल लिया। जी जी बिल्कुल। तो आप अभी तक टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदे का ख्वाब होता है कि यार मैं एक, जैसे हमारे ये PSL होता है, यहाँ पे एक टीम में खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब PSL के लिए लोग लड़का सोचता है तो फिर आगे पाकिस्तान के लिए सोचता है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मैं डायरेक्टली पाकिस्तान खेलूँ। मैं कहता हूँ अगर हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह PSL खेलेंगे, वहाँ पे परफॉर्म करके और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं? जी जी। तो और भी बड़े नाम है टेप बॉल क्रिकेट में, तो क्या इनकम है इसमें, कितना क्रिकेटर्स पैसा कमा लेते हैं और आपकी क्या इनकम है इसमें? जी माशाल्लाह बहुत पैसा है जी, लाखों रुपये लोग कमाते हैं सीज़न के। गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, ये टेप बॉल्स की रात दिन क्रिकेट होती है। मैं तो कहता हूँ 5-5, 6-6 दिन लोग घर में नहीं जाते, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कभी यहाँ से कहीं कहीं से कहीं, इस तरह उनका आना जाना लगा रहता है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं सारे टेप बॉल में, और काफ़ी पैसा है इसमें टेप बॉल में भी, और लाखों रुपया लोग महीनों का कमाते हैं, बल्कि हफ्तों में भी कमा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हर बंदा बहुत खुश है। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी टेप बॉल कम हुई है, कोई प्रोफेशनल प्लेयर जो टेप बॉल किए हैं उन्होंने
नहीं खेला, लेकिन कुछ है जो खेलने के बगैर रह नहीं सकते, उनका गुजारा है। कईयों का टेबल से ही सारा सर्किट है, घर का सारा ये वो, तो बस इसीलिए समय लेके टेबल थोड़ी बहुत जो चली है तो उनकी मेहरबानी है। जिन लोगों ने ये टूर्नामेंट्स करवाए हैं उनका बहुत मेहरबानी करते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल क्रिकेट में वैरायटीज होती हैं इन स्विंग आउट स्विंग, तो टेप बॉल में भी इन स्विंग आउट स्विंग होती है? नहीं, टेप बॉल में तो इन स्विंग आउट स्विंग तो मेरे ख्याल से तो नहीं होती, क्योंकि टेप बॉल एक कुछ और गेम है, लेदर बॉल कुछ और गेम है। तो टेप बॉल में जो होता है वो सीधा सीधा बॉल आता है, या उसमें डाउन करना पड़ता है, या स्लो वन करना पड़ता है, या उसको विकेट के ऊपर स्लो मार के करना पड़ता है। इस तरह की कुछ वैराइटीज़ होती हैं, यॉर्कर करना पड़ता है, शॉर्ट पिच करनी पड़ती है, लेग स्टंप पे खिलाना पड़ता है, ऑफ स्टंप पे बाहर बॉल करना पड़ता है। इसमें स्विंग नहीं होता टेप बॉल, इसमें स्विंग नहीं होता। तो इसमें आपकी कितनी स्पीड है? ये तो मैंने कभी नोट किया। आपकी स्पीड के चर्चे हैं कि जाहिद, कर्नल जाहिद की बड़ी स्पीड है, तो आज आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपकी कितनी स्पीड है। भाई ये तो जब रिदम में हो इंसान तो मेरे ख्याल से टेप बॉल में कितनी 140-145 पे चला जाता होगा बॉल टेप बॉल में, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मेरी कितनी स्पीड होगी। ये तो जब स्पीड गन पकड़ी हो तो तभी पता चल सकता है, ये तो अदरवाइज कैसे हम बता सकते, अपनी तरफ से तो नहीं बता सकते। अच्छा, प्रोफेशनल क्रिकेटर को अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जी, मैच से पहले भी मैच के बाद भी। तो टेप बॉल के जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं? जी माशाल्लाह, सारे जितने भी प्लेयर हैं ये टेप बॉल्स के, ये सारे अपना अपना फिटनेस का ख्याल रखते हैं। मोस्टली काफ़ी प्लेयर्स हैं वो डेली ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, जब भी मैचेस वगैरह खेल के आते हैं तो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी डाइट का भरपूर अपना ख्याल रखते हैं कि यार हमने कुछ बनना है और इससे कुछ ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारा पेट निकले। तैमूर मिर्ज़ा टेप बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे पाकिस्तान में उसको जाना जाता है, अब तो खैर आपके भी चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो तैमूर मिर्ज़ा का कभी सामना हुआ और उसे आउट कर दिया हो? काफ़ी दफ़ा उसको आउट किया है, लेकिन सिक्स भी उसने लगाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा दफ़ा मैंने उसे आउट ही किया है। तो बाकी वो बहुत अच्छा इंसान भी है और बहुत अच्छा प्लेयर भी है, तो उससे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्रिकेट में लड़ाई है हमारी उससे। कभी किसी पाकिस्तानी बैट्समैन से सामना हुआ हो और उससे आपने आउट किया हो? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा हुए हैं बैट्समैनों के सामने आमना सामना, जैसे कि समी असलम है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, उसको आउट किया था वहाँ पे अलीगढ़ में, टूर्नामेंट हो रहा था हमारा क्लब का तो उधर आउट किया था। उसके बाद आबद अली को आउट किया था, मैं कह रहा था बकाया जलानी से, हमारे कप्तान थे मीर भाई, तो उनके तरफ से मैं खेला था टूर्नामेंट एक कलर किट में, तो वहाँ पे उसको आबद अली को फेरी फर्स्ट बॉल पे मैंने आउट किया था। अच्छा, आपने लाहौर कलंदर के साथ भी कैंप में काम किया, तो कुछ बड़े क्रिकेटर्स ने आप पर कमेंट्स भी किए हैं, उनमें कौन कौन शामिल है? बड़े माशाल्लाह, जैसे हमारे हफीज़ भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है, सुहेल भाई हैं और फ़ख्र भाई थे, उसके बाद सलमान भट्ट साहब हैं हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया और वो हमें समझाते रहे कि इस लाइन पर बॉलिंग करो, इस लाइन पर तो हम उस लाइन पर बॉलिंग करते रहे। घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वालदा ने, मेरे अबू ने, मेरे भाइयों ने और मेरे रिश्तेदारों ने, जो जहाँ जहाँ मैं खेलता रहा उन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छा, लोग आपकी बॉलिंग का सामना करते हुए बड़ा डरते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी थोड़ी सी बॉल करें, मैं भी देखूँ कि आपकी स्पीड कितनी है और मैं भी खेलना चाहूँगा आप। चलें ठीक है, अभी तो आपको दिखा देते हैं। चलें जी, ये थे कर्नल जाहिद, पाकिस्तान टेप बॉल का एक बड़ा नाम, उनसे बातचीत की, उनकी मैंने बॉलें भी खेली। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल parktv.tv को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान। क्या इनकम है इसमें, कितना क्रिकेटर्स पैसा कमा लेते हैं और आपकी क्या इनकम है? टेबल से ही सारा सर्किट है, घर का सारा ये वो। समी असलम है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, उसको आउट किया था, आबद अली को फेरी फर्स्ट बॉल पे मैंने आउट किया था। आपको लोग कर्नल कैसे क्यों कहते हैं? हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्रिकेट में लड़ाई है हमारी। टेप बॉल में भी इन स्विंग आउट स्विंग होती है? 140-145 पे चला जाता होगा बॉल।